गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने उस सारे सिस्टम को खत्म करकर स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज्ड सर्विस डिलीवरी सेंटर्स बनाए हैं। अब कोई भी शख्स जो कि अपना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना चाहता है, अपनी ओनरशिप देखना चाहता है, वो किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाता, वो हमारे कंप्यूटराइज्ड सर्विस डिलीवरी सेंटर के अंदर जाता है, वहां पे वो टोकन जमा करता है, अपनी फीस जमा करता है और कंप्यूटर के जरिए 10 मिनट के अंदर अंदर उसको वो जो फर्द है वो दे दी जाती है। मैक्सिमम जो हमने टाइम रखा हुआ है वो 30 से 35 मिनट का, इससे ज्यादा एक शख्स वहां पे स्टे नहीं करता। लोगों की सेल्फ एस्टीम को रिज्यूम करने के लिए हमने यहां पर एक इनिशिएटिव लिया है और उसको हमने ग्रीटर डेस्क का नाम दिया। ग्रीटर डेस्क में जब भी कोई शख्स ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अंदर वो आता है, तो हमारे ग्रीटर डेस्क सबसे पहले उसको ग्रीट करता है, उसको वेलकम करता है कि आप हमारे पास आए हैं, उसको बताता है कि हम आपकी सर्विस के लिए यहां पे बैठे हैं, उसको कुर्सी पेश करता है, उसको ठंडा पेश करता है या चाय पेश करता है, ताकि उसको एक एहसास हो शहरी को कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं और ये जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है वो मेरी खिदमत के लिए बैठी हुई है, वो मेरे ऊपर कोई हुक्मरान या इस तरह की चीज नहीं है। ये एक ऐसी सी चेंज है जो पाकिस्तान में और शायद किसी सूबे में आपको नजर नहीं आती। इसके अलावा हमारा एक इनिशिएटिव है जिसका टाइटल है डिप्टी कमिश्नर हाजिर है। इस इनिशिएटिव के नीचे मैं अपने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स, अपने डिपार्टमेंट्स, जितनी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है उनको लेके फार फ्लंग विलेजेस में जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ और लोगों के मसाइल हम सुनते हैं। जो मसले ऑन द स्पॉट हल होने होते हैं ऑन द स्पॉट हल करते हैं, और जो मसाइल में थोड़ा टाइम होता है उनके लिए हम टाइम लाइन्स दे देते हैं, और फिर हर चार महीने, तीन चार महीने के बाद उसी जगह पर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जाती है, लोगों के साथ बैठती है और उस जो पिछले सेशन के अंदर हमारे फैसले हुए थे उनको रिव्यू किया जाता है। ये पब्लिक रिव्यू है जो कि ड्राइंग रूम्स के अंदर नहीं होता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे नहीं होता, बल्कि लोगों के अंदर होता है ताकि लोग खुद देख लें कि किस तरीके से ये काम जो है वो कौन से काम हो गए हैं, कौन से काम रह गए हैं और जो काम रह गए हैं वो क्यों रह गए हैं, लोगों के साथ मसाइल शेयर किए जाते हैं और किस तरीके से पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो लाइजान है इस इनिशिएटिव के नीचे मजबूत और मजबूत तर हो रहा है।